The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी और अफवाहें भी सुनी होंगी व्हाट्सएप पे, टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, उल्टी सीधी चीज़ें, और सुनते सुनते आप भी सोचते होंगे क्या ऐसा हो रहा है। सुना होगा आपने कि कोरोना वायरस हवा से फैलने लगा है, सुना होगा आपने कोरोना वायरस मक्खियों से फैलने लगा है, मच्छरों से फैलने लगा है, लेकिन क्यों क्यों WHO, CDC, डॉक्टर्स इस बात से मना कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं फैल रहा है, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अगर ये हवा से फैलता तो भैया अब तक जो ये नंबर है इंडिया के अंदर ये 100 गुना बड़ा हो जाता। हवा से नहीं फैल रहा। क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि अगर आप किसी बिल्डिंग से छलांग मारते हो तो आप सुपरमैन नहीं बन जाते। सेम वे अगर आप कागज का एरोप्लेन उड़ाते हो तो वो कागज का एरोप्लेन उड़ सकता है ऐसा नहीं बोलते। अगर आप उड़ तो सकता है लेकिन वो उड़ेगा अपने आप ही ऐसा नहीं बोलते, राइट? उसको आपने प्रोपेल किया है, आपने पुश किया है। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी चीज़ को थूकते हैं, किसी भी चीज़ को आप जब अपनी लार निकालते हैं, आप थूकते हैं, आप स्पर्ट करते हो, स्पर्ट आपकी बाहर तो निकलेगी। अब बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो स्पर्ट कितनी जल्दी, नंबर वन, एक उसमें मॉइस्चर है, एक उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड पानी जो भी है, बूंदाबांदी है, और उसके अंदर आपका वायरस इसके कण है। सो ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने दूर जाएगा और वो कितने देर हवा में रहेगा? बोलो, वहां के टेम्परेचर पे, वहां के मॉइस्चर पे, वहां की हवा पे, राइट? अगर हम वहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर डाल दें, बहुत ज्यादा हवा रख दें, तो वो जो थूकी हुई चीज है, वो जो स्पर्ट है, वो थोड़ा दूर भी चला जाएगा। और अगर कई बार देखा है ना चीजों को ऐसे 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 घूमते हुए, डस्ट पार्टिकल्स को आ रहा, धीरे 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 गिरते गिरते नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो सकता है उसके बाद साथ। छोटे छोटे वायरल पार्टिकल्स जब कोई थूकता है, जब तो कोई स्पर्ट करता है, तो कुछ मोटे मोटे तो फट से गिर जाता है और कुछ धीरे 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 हवा के अंदर सस्पेंडेड थोड़ी देर के अंदर स्लोली नीचे गिर जाएंगे। क्या हम इसको बोलेंगे कि ये हवा से फैलता है? नहीं। पर एक पेशेंट यहां से आया, यहां खड़ा है, वो पेशेंट ने अपना खांसी किया, स्पर्ट किया, उसने हाथ में नहीं किया, उसने खुले में किया, गलती उसकी, वो फॉलो नहीं कर रहा प्रिकॉशंस। अगर उसने यहां किया तो भाई वो हवा तो गया ही नहीं। अगर उसने खुले में खांसी की, वो खुले में खांसी के बाद वो कहां आया? वो हवा में आया, और हवा में आने के बाद अब वहां पे बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत बारिश आई, बहुत मॉइस्चर है, फिर भी वो धीरे 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 गिर रहा है। गिरने में उसको एक घंटा लगे, दो घंटा लगेगा, ऐसे धीरे 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 धीरे, और छोड़ो ये छोड़ो, दो घंटा गए, एक घंटा उसने मुंह ऊपर करके खांसा, मुंह ऊपर खासा, तो उसको तीन घंटा लगेगा धीरे धीरे गिरने। ओके, सो दैट कैन बी देयर अराउंड फॉर 3 आवर्स, और उसी समय वहां से, यहां से यहां तक आ रहा प्रोजेक्टाइल, और उसी समय वहां से 3 घंटे के अंदर कोई गुजर गया, तो क्या उसको हो जाएगा? हो जाएगा, अगर उसने प्रोटेक्शन नहीं पहना हो तो। अगर उतने सारे लोग, पहली बात तो उसने प्रोटेक्शन ना, उसने मास्क पहना तो कहां से जाएगा? मास्क के ऊपर लग जाएगा, मास्क के आउटर सरफेस पे लग जाएगा। आपको लगेगा हाँ चलो मास्क के आउटर सरफेस पे लग गया, इसलिए मास्क आउटर सरफेस को हाथ नहीं लगाने को बोला गया है, इसलिए बोलते हैं कि मास्क को दिन में 8 घंटे के बाद डिसइंफेक्ट कर लो या फेंक दो, इसलिए बोलते हैं। अब वक्त आ गया है कि अगर बाहर निकल रहे हो और किसी ऐसे पेशेंट के आसपास भी जा रहे हो तो मास्क पहनो, और पेशेंट की जरूरत है कि वो मास्क पहने। अगर पेशेंट या खांसी करने वाला सही हाइजीन रख लेगा तो ये फैलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये हवा में उसने खांस दिया और ये 2 किलोमीटर घूमे जा रहा है, मिले कोई, ओहो तुमने मास्क पहना है, अच्छा तुम्हारे मास्क में यहां गड्ढा है, मैं घुस जाऊंगा, ई ना हो रहा, ई ना छाल बे, समझ रहे हो? घर के अंदर बैठे डर रहे हो पता नहीं मेरे खिड़की के दरवाजे ना खुल जाए।
ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में तुरंत फैल जाता ये, और दुनिया के अंदर इतने बेड नहीं है, 1% पॉपुलेशन के हिसाब से बेड होगा तो दुनिया की 1% पॉपुलेशन खट से खत्म हो जाती विद इन 1 month, 1 महीने के अंदर सारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया भी नहीं खत्म होती, 1% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, 2% ज्यादा 3%, क्योंकि त्राही हो जाती उस चक्कर में, वो त्राही बढ़ा देती अगर सारी फैसिलिटी नहीं भी होती तो। फैसिलिटी होती तो 1% होती, अगर फैसिलिटी नहीं होती तो 3% 4% तक मर जाते लोग टोटल। उसमें भी एज ग्रुप फैक्टर वैसा ही रहता, जितने 80% के ऊपर, 80 साल के ऊपर है वो ज़्यादा मरते, जितने 90 साल, जितने छोटे छोटे लोग हैं जो 40 साल के नीचे हैं वो कम मरते जब उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी में कोहराम मच जाता ऐसी बीमारी से। तो ये हवा से नहीं फैल रहा है, सिंपल प्रूवन। एक स्टडी में कुछ लोगों ने नेबुलाइजर समझते हो ना, जो पानी को हवा बना बना के छोड़ देते हैं, वैसे ही पानी छोड़ देते हो, वो दवाई भी थोड़ी देर वहां रहेगी, उसको छोड़ के देखा कि वो कितने देर रह सकता है, फिर वो पानी जो गिरा कहाँ पे, वो गिरा कांच पे, प्लास्टिक पे, वो कितने देर रह सकता है। जब तुम उसको आइडियल इन्वायरमेंट दोगे तो होगा ही, वो थोड़ी देर रहेगा, 1 दिन 2 दिन वहां रह सकता है, ट्रू। दैट डज नॉट मीन कि वो पूरी दुनिया में हर जगह पड़ा हुआ है 2 दिन से, ना। वहां का टेम्परेचर देखो, ड्राइनेस देखो, सब कुछ देखो, प्रिकॉशंस लो, पर डरो मत, पागल मत हो जाओ। मक्खियों से फैल सकता है क्या? मक्खियों से फैलने का मतलब कि मक्खियों के डंग के अंदर हो, मक्खियों के अंदर हो। अब अगर आप ऐसे करो, मैं बताता हूं, ठीक है, एक आदमी को लो और उससे बोलो भाई तुम्हारा स्पूटम दे दो, और तुम इन्फेक्टेड हो, तुम अपना स्पूटम दे दो, अपना बलगम दे दो, अपना ये दे दो, वो स्पूटम को तुम एक जगह रख लो, उसके ऊपर वो जगह आपको तुमने बंद कर दी, उसके अंदर तुमने डाल दी 10 मक्खियां, और फिर वो मक्खियां वहां खड़ी होगी, बैठेगी, इन्फेक्ट होगी, वट एवर इट इज लेंगी, फिर वो मक्खियों को उठा के दूसरी जगह पे रख दो जहां पर दूसरा कुछ रैट है, माइस है, और फिर उसके बाद में जाके देखो कि वो माइस में इन्फेक्शन फैला कि नहीं फैला। फैलेगा भाई, मक्खियों के आउटर सरफेस से भी फैलेगा, मक्खियों के लिटरली उससे भी फैलेगा, आउटर सरफेस, मक्खी ने अपना पैर रखा होगा, मक्खी ने अपना चमड़ा रखा, शरीर रखा, वहां जाके फिर टच किया, फिर जिस माइस को टच किया उसने, या जिस जानवर ने टच किया, अगर इवन आपके हाथ में अगर मच्छी बैठी वहां पे, आपने वही हाथ को चाट लिया वही जगह पे जहां वायरस है, सोचो इसके चांसेस कितने हैं कि एक मक्खी किसी पेशेंट के स्पूटम पे, सलाइवा पे, ड्रॉपिंग्स पे, बॉडी फ्लूइड पे टच करके आपके पास टच करेगा, वही वाली मक्खी। फ्लाइज की बात कर रहे हैं, मच्छर नहीं, मच्छर तो काटते हैं, मक्खी नहीं काटती, मक्खी सिर्फ बैठती है, हाथ साफ करती है, बैठती है, हाथ साफ करती है, वो उठाएगी और आपके हाथ पे डाल देगी, हाथ साफ करती है, उठाएगी फिर आपके खाने पे डाल देगी। ये कितने चांस है कि एक मक्खी इंडिया के अंदर या कहीं भी, जो पेशेंट है उसने यहाँ वहाँ बलगम किया हुआ, थूका हुआ, उसे उठा के आपके पास आए, अगर सब प्रॉपर हाइजीन फॉलो करे तो। सो ये मक्खियों के अंदर नहीं है कि मक्खियों से फैल रहा हो, ना ही ये प्रूवन है ऑलरेडी। देखो ये नया वायरस है, नया वर्जन है, करेक्शन, वायरस तो पुराना है, कोरोना वायरस पुराना है, लेकिन उसका एक नया वर्जन है। नया वर्जन का मतलब क्या हुआ? नया म्यूटेटेड वर्जन है, उसके भी 2 बार म्यूटेशन और हो चुके हैं, थर्ड हो सकता है आगे चल के, पता नहीं उसमें क्या प्रॉपर्टी आए, लेकिन जो अभी तक प्रूवन नहीं है, जो अभी तक लॉजिकली आ नहीं रही कि इतने ज्यादा केस तो हो नहीं रहे, इतने ज्यादा नहीं हो रहे जितने उस टाइम हो जाते अगर ऐसा होता, तो उससे डरो मत भैया। WHO, CDC पागल नहीं है कि अगर होती एयरबॉर्न तो आपको बचाने की जिम्मेदारी भी तो उनकी है ना, उनकी है कि नहीं, तो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के लिए बोल देते, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के लिए बोल देते कि ये हवा में है, कहीं भी जा सकती है, अब तो घरों के अंदर जा सकती है, बोल देते कि आपको घरों को सील करो, बोल देते आपको कि ऐसे मास्क पहनो। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, सो डरो मत। प्लस ये वायरस आपको हो भी जाए, आपके अंदर चला भी जाए, तो 95% चांस है आपको कुछ नहीं होगा, 95% अनलेस एंड अंटिल आप 70 साल के ऊपर हो,
60 साल से नीचे, 60 साल छोड़ो 70 साल के नीचे, 70 से नीचे डेटा निकाल के देखो इटली और चाइना का, तो 70 साल से नीचे सिर्फ 3.5 या 3.6% डेथ रेट है। तो 95% जाने आपको कुछ नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा, बल्कि उसमें भी अगर आपको सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट, सही बेड, हॉस्पिटल बेड और डॉक्टर मिल गया तो बचा लेगा। और वो लोग जो मरे हैं इटली में, चाइना में, इसलिए नहीं मरे कि इलाज नहीं है, इसलिए नहीं, इसलिए मरे हैं क्योंकि उनको इलाज मिल नहीं पाया, इतने डॉक्टर नहीं है, इतने बेड नहीं है और इतनी जल्दी फैला है। इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि ये जल्दी ना फैले और आप लोग अगर बीमार होते भी हैं, कुछ लोग तो बच जाएंगे, ज़्यादातर लोग 95% लोग ठीक रहेंगे। और अगर आपको खुला छोड़ दिया तो पूरे इंडिया के 5% लोग एक मिनट में हॉस्पिटल, एक महीने में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, पूरे इंडिया के एक महीने में 5% का मतलब कितना होता है, 130 करोड़ का 5%, चलो 130 के 30 को नहीं, अगर उसके 60% लोग भी इन्फेक्ट हुए तो 80 करोड़ लोगों का 5% यानी 4 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल में सीरियस हो जाना पड़ेगा। और अपने हमारे पास इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ बेड हैं, तो 3 करोड़ लोग वैसे ही नहीं बचा पाएंगे। और 1 करोड़ में जो दूसरे लोग हैं, जो जवान आदमी जिसकी हार्ट टूटा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसको फलाना ढमकाना भड़का, जवान लोग जो ऐसे बीमारियां लेके आ रहे हैं, जो अभी दूसरी चीज़ से कोई हार्ट अटैक है कुछ है, उनको भी ये वायरस हो जाएगा, वो भी है और ये भी है, और फिर कौन बचाए, नहीं भगवान बचाए। इसीलिए प्रिकॉशन ज़रूरी है, लेकिन आपको हो गया और आप घर में हो तो मरोगे नहीं, डरो मत, समझो और लोगों को समझाओ। हवा से नहीं फैल रहा, फ्लाइज से नहीं फैल रहा, मॉस्किटो से नहीं फैल रहा, पेट से नहीं फैल रहा, मगर चीज़ों से फैल रहा है। पेन से फैल सकता है, उसके ऊपर हो सकता है, कागज़ से फैल सकता है, पैसे से फैल सकता है, सबसे फैल सकता है, हर चीज़ से फैल सकता है, सिर्फ हाथ धोना है, हवा से नहीं फैल रहा। लॉजिक इस्तेमाल करो।